आइए समझते हैं थंबनेल डिजाइनिंग का कॉन्सेप्ट कि एक्चुअली थंबनेल्स आपकी वीडियो के लिए क्यों जरूरी है, ये डिजाइन कैसे करते हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंटली डिजाइनिंग करते टाइम हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे व्यूअर का अटेंशन ग्रैब हो सके और वो आपका बनाया थंबनेल देख के उसे उस वीडियो को क्लिक करने का मन करे। तो ये सब कैसे करना है आइए देखते हैं। ऑलराइट, तो मैं चुका हूँ यहाँ फोटोशॉप पे, लेकिन शुरू करने से पहले आइए समझते हैं थोड़ा सा थंबनेल डिजाइनिंग की साइकोलॉजी कि बेसिकली थंबनेल्स क्यों जरूरी हैं। तो देखो, जिस तरह कोई न्यू प्रोडक्ट के बारे में आप सबसे पहले उसकी पैकेजिंग को देख के आइडिया लगाते हैं कि मुझे ये प्रोडक्ट चेकआउट करना चाहिए कि नहीं, सेम उसी तरह थंबनेल भी आपकी वीडियो के लिए फर्स्ट इंप्रेशन का काम करता है और व्यूअर थंबनेल को देख के ये डिसाइड करता है कि मुझे इस वीडियो पे क्लिक करना है या नहीं। तो यही है सबसे ज्यादा थंबनेल की इंपॉर्टेंस, क्योंकि आपने कितना भी अच्छा कंटेंट बना लिया अगर आपका थंबनेल ठीक नहीं है तो फिर कोई फायदा नहीं है। तो अब डिजाइन करते हैं अपना वो थंबनेल। सबसे पहले जो थंबनेल का साइज होगा वो क्या होगा, तो YouTube हमें कहता है कि 1280 by 720 पिक्सल्स पे क्रिएट करने को, लेकिन बहुत जगह आपको बताया जाता है कि आप 1920 फुल HD में क्रिएट करो या उसमें क्रिएट करो, और इसका एक एक्सपेक्ट रेशियो भी होता है। जैसे यहाँ फोटोशॉप पे सिंपली देखोगे क्रॉप टूल लेके, यहाँ पे आप देखोगे रेशियो के अंदर, तो आप देखोगे 16:9 रेशियो। अब इसको आप चाहे कितना बड़ा कर लो चाहे कितना छोटा कर लो, ये सारा आपके वीडियो YouTube की वीडियोस पे लग जाएगा। तो मैं साइज क्या लेता हूँ, मैं 1280 by 720 पिक्सल ही लेता हूँ जो YouTube कहता है, क्योंकि कितना भी बड़ा साइज डॉक्यूमेंट का बना लूँ YouTube उसको कंप्रेस करने ही वाला है। वो आपकी इच्छा है, आप जैसे भी बनाना है, बट एस्पेक्ट रेशियो जो होता है वो यही रहता है 16:9। तो आप डिजाइनिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे डिजाइनिंग शुरू करने से पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा कंटेंट दिखा दूँ। ये जो कंटेंट है मेक मनी ऑनलाइन, उस थंबनेल पे ये टेक्स्ट डालना है। पहली चीज, जब भी आप थंबनेल बना रहे हो टेक्स्ट ट्राई करो कि कम से कम हो, कोई ज्यादा लंबे वर्ड ना हो, ज्यादा बड़े वो ना हो, आप कोशिश करें कि कम रखें। और यहाँ पे मैं इमेज ये वाली यूज कर रहा हूँ, कुछ शॉकिंग इमेज मेरे को तो जस्ट ऐसे ये जस्ट एक मैंने इंटरनेट से डाउनलोड कर ली थी, और कोई इमेज नहीं है, और इसका मैंने बैकग्राउंड ऑलरेडी रिमूव करके रखा हुआ है, तो हम इसको यूज करने वाले हैं। तो इसको ले आते हैं जल्दी से यहाँ पे, और मैं इसको यहाँ पे फ्लिप कर लेता हूँ हॉरिजॉन्टली कुछ इस तरह से। और अब आइए समझते हैं थोड़ा सा कि हमें टेक्स्ट लेफ्ट साइड ही क्यों लिखना चाहिए। तो ये दो तरीके से काम करता है। सबसे पहले तो आपकी आंखें जो हैं वो लेफ्ट टू राइट पढ़ती हैं, जो कि हर UI वगैरह बनाने पे भी हम सीखते हैं ये चीज़। तो इसलिए हम यहाँ लेफ्ट साइड में हम जो है इंपॉर्टेंट टेक्स्ट लिखेंगे और राइट साइड में हम इमेज डालते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे ही हम यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से यूज़ कर रहा हूँ। और तो अब मैं यहाँ पे पहले एक सॉलिड कलर ले लेता हूँ, और कलर कुछ मैं ये वाला ले लेता हूँ, डार्क कलर कुछ इस तरह से। और इसके बाद मैं यहाँ पे एक लेयर ले रहा हूँ, और लेयर में कुछ मैं कलर ले लेता हूँ इसी से क्लोजेस्ट, थोड़ा सा ब्राइट साइड। और अब मैं यहाँ पे ले रहा हूँ एक एक्सपोजर एडजस्टमेंट लेयर, तो जो कि मैं कुछ इस तरह से ब्राइट कर लेता हूँ, और मैं इसको मास्क हाइड करके वापस से इस पर मैं पेंट कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। तो अब देखोगे हमारा अच्छा से ब्राइट हो गया, और इसको थोड़ा सा हम और क्लोज कर लेते हैं समथिंग लाइक दिस। तो अभी मेरे को बैकग्राउंड में कुछ और एलिमेंट्स डालने हैं, तो मैं यहाँ पे कैश का एक लेता हूँ कुछ इस तरह से इमेज, ट्राई करूँगा ब्लेंडिंग मोड चेंज करने की। तो ये सॉफ्ट लाइट मेरे को लगता है ठीक लगेगा, और यहाँ पे मैं कुछ इस तरह से इसको प्लेस कर लेता हूँ, और इसी के साथ में मैं इसमें थोड़ा सा ब्लर डाल देता हूँ, गॉशियन ब्लर, और इसको वहाँ से हाइड करके वापस से मैं पेंट करने की कोशिश करूँगा समथिंग लाइक दिस। ओके, और अब जो ये सब्जेक्ट की इमेज है इस पर थोड़ा सा हम कैमरा और फिल्टर से एडजस्टमेंट करेंगे, थोड़ा सा शार्प करेंगे। और तो यहाँ पे मैं इसको पहले जूम कर लेता हूँ, और यहाँ इफेक्ट पे आके यहाँ से थोड़ा सा टेक्सचर क्लैरिटी समथिंग लाइक दिस, और सेम चीज़ यहाँ डिटेल पे आके हल्का सा शार्प कर दूँगा कुछ इस तरह से, और यहाँ मैं ओके कर देता हूँ। तो आप देखोगे ये हमारे पे कुछ इस तरह से टेक्स्चर आ गया फेस पे, जो कि ऑर्गेनिक लग रहा है, ज़्यादा स्मूदनेस नहीं लग रही है। अब हमें क्या करना है, इसी पे एक आध इफेक्ट्स डालने हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, कर्व्स ले रहा हूँ, तो मैंने ये हल्का सा ये एडजस्ट किया, और इसी के साथ में मैं एक लेवल्स भी ले रहा हूँ, और फाइनली मैं यहाँ पे थोड़ा सा कलर बैलेंस लेके ये कलर टोन दे देता हूँ जो बैकग्राउंड का कलर टोन है। तो हल्का सा मैं इसमें से वो वाला कलर टोन भी दे देता हूँ। तो आप देखोगे ये थोड़ा सा कुछ इस तरह से कलर टोन आ गया है इस पर। अब हमें बनाना है सबसे मेन चीज़ हाईलाइट्स। अब हाईलाइट जो है वो आप कई तरह से बना सकते हैं। मैं यहाँ पे ले रहा हूँ हाईलाइट के लिए ह्यू एंड सैचुरेशन, कि इसको मैं इजीली बाद में चेंज कर सकता हूँ। आप सॉलिड कलर से भी ले सकते हैं, लेयर से भी बना सकते हैं, किसी भी तरह से आप बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ये ले रहा हूँ ह्यू सैचुरेशन के एडजस्टमेंट लेयर, और यहाँ पे मैं कलराइज कर रहा हूँ, और अब मैं यहाँ पे इस पे वो कलर डाल देता हूँ। तो मेरे को लगता है ये क्लोजेस्ट कलर है बैकग्राउंड का, और इसको मैं थोड़ा सा वाइट कर लेता हूँ, क्योंकि ये हाईलाइट्स की तरह काम करने हैं कुछ इस तरह से। और यहाँ पर मैं कंट्रोल आई प्रेस करूँगा मास्क को सेलेक्ट करके, जिससे मास्क इन्वर्ट हो जाएंगी, और अब मैं यहाँ पे पेंट करना शुरू कर दे रहा हूँ एजिस में कुछ इस तरह से।
ऑलराइट, शर्ट पे हाईलाइट बनाते टाइम मेरे को एक दिक्कत हो रही थी कि जो शर्ट का कलर है वो वाइट है और उसी पे जो ये ब्राइट वाला हाईलाइट है वो इतने अच्छे से शो नहीं हो रहा था। तो मैंने डिसाइड किया एक ह्यू सैचुरेशन लेयर लेके इसके टी शर्ट का जो कलर है वो चेंज करने की। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे सिंपली एक एडजस्टमेंट लेयर लिया ह्यू सैचुरेशन का, कलराइज किया और इसके कुछ वैल्यूज चेंज करके मैंने ये वाला कलर चूज़ कर लिया। अब इसको भी हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं जो भी हमें चाहिए। तो मैं ये वाला रहने देता हूँ अभी और थोड़ा सा इसको मैं और एडजस्ट कर लेता हूँ और बाकी के हाईलाइट्स पूरी कर लेता हूँ। ऑलराइट, तो हमने ये रफली सी हाईलाइट्स क्रिएट कर लिए हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये दो लेयर्स हैं। अब मैं क्या कर सकता हूं, मैं इसको अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकता हूं। तो अब देखो कि अगर मेरे को किसी का ब्राइटनेस या कलर बढ़ाना हो या कम ज़्यादा करना हो तो मैं अपने हिसाब से कर सकता हूं कुछ इस तरह से। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, टेक्स्ट लिखना है। तो टेक्स्ट मैं कुछ ये वाला लिख देता हूं। सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखता हूं मेक, इसका जो फॉन्ट है मैं कोई भी सेंसरी फॉन्ट ले लेता हूं। तो मैंने यहाँ पर बेसिक सा टेक्स्ट लिख लिया है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना चाहूँगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ बैकग्राउंड में एक शेप लूँगा। तो शेप कुछ इस तरह से ले लेता हूँ। ओके, मुझे लगता है ठीक लगेगा। और इसी में मैं कलर जो है मैं कोई भी ये वाला टाइप कलर ले लेता हूँ जो हमने इसमें से यूज़ किया है, स्काई ब्लू टाइप का यूज़ किया है वो कलर ले लेता हूँ। और यहीं पर मैं इसका कलर जो है टेक्स्ट का सबसे डार्क वाला कर देता हूँ कुछ इस तरह से। ऑलराइट, और अब मैं यहाँ पर इसी शेप वाली लेयर पर एक लेयर मास्क क्रिएट कर रहा हूँ। ब्रश टूल लेके ब्रश को बड़ा करके कुछ इस तरह से शेप लेयर पे मैं ये क्रिएट कर देता हूँ, समथिंग लाइक दिस। और इसी के साथ में मैं क्या करूँगा, इसमें मैं ड्रॉप शैडो डाल देता हूँ इसी शेप वाली लेयर पे। तो मैंने ये किया और मैं यहाँ पे हल्का सा ही ड्रॉप शैडो डाल देता हूँ, मेरे को लगता है ठीक लगेगा। तो ये सही लग रहा है। और अब मैं क्या करूँगा, इन टेक्स्ट वाली लेयर को सेलेक्ट करके इन पर भी वो ड्रॉप शैडो डाल देता हूँ। तो यहीं ब्लेंडिंग ऑप्शन में आप देखोगे सबसे नीचे मैं ड्रॉप शैडो डाल देता हूँ दोनों में। ऑलराइट, और अब मुझे क्या करना है, इस मेक वाली लेयर को सेलेक्ट करके इस पर भी एक लेयर मास्क क्रिएट करना है। फिर से ब्रश लेना है और ब्रश लेके मैं हल्का सा यहाँ नीचे कुछ इस तरह से फेड आउट कर दूँगा। थोड़ा सा मैं फ्लो बढ़ा के, तो कुछ इस तरह से ऐसा लगेगा कि ये बिहाइंड है उसके टेक्स्ट के। और सिमिलरली मैं ऑनलाइन वाली लेयर पर भी कर दूँगा लेकिन ऊपर साइड कुछ इस तरह से। तो आप अपने हिसाब से हम इसे एडजस्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं ये बड़ा कर लेता हूँ दोनों को। ऑलराइट, और इस मनी वाली लेयर पर सेलेक्ट करके यहाँ पर भी मैं एक ड्रॉप शैडो डाल देता हूँ, लेकिन इस ड्रॉप शैडो को इस बार मैं डालूँगा स्क्रीन और इसका कलर कर देते हैं कुछ ये वाला कर देते हैं, इसको नॉर्मल रहने देते हैं। और इसी लेयर मास्क में मैं पीछे थोड़ा सा और हल्का सा ये डेप्थ दे देता हूँ, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। और फाइनली मैं क्या करूँगा, इस लेयर के ऊपर एक और सॉलिड कलर ले रहा हूँ कुछ इस तरह से। इस कलर को मैं कर देता हूँ लीनियर डॉच ऐड और यहाँ पे मैं नेगेटिव मास्क कर देता हूँ। और अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, थोड़ा सा जो हमारा सब्जेक्ट है इसके पीछे कुछ इस तरह से ब्राइट कर लूँगा, तो ये हल्का सा ग्लो आ जाएगा और जो कि ठीक लगेगा। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें लिखना है और टेक्स्ट कुछ ये वाला। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली एक शेप लूँगा, एक ऐसे रेक्टेंगल क्रिएट कर लेता हूँ और यहाँ पे इसके थोड़े से राउंडेड कर देता हूँ कॉर्नर्स। कॉर्नर्स राउंड करने के बाद यहाँ पर मैं एक टाइप टूल लेके टेक्स्ट लिख लेता हूँ कुछ इस तरह से। और इसको हम कर देते हैं नॉर्मल लाइट। और इसी शेप में मैं ग्रेडिएंट ओवरले डाल रहा हूँ और ग्रेडिएंट ओवरले में कुछ ये गोल्ड ग्रेडिएंट डाल के देखते हैं कैसा लगेगा। इसको हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। बेवल एंड इम्बोज पर भी जाके सिंपली मैं इसको डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ और थोड़ा सा मैं यहाँ पे ट्राई करूँगा कि कौन सा सही बैठता है। तो हम कुछ ये वाला सेलेक्ट कर लेते हैं। अब इसको हम सिंपली यहाँ सेलेक्ट करके थोड़ा सा रोटेट कर लेते हैं, समथिंग लाइक दिस। और यहाँ पर मैं कुछ ऐसे रख लेता हूँ। फाइनली यहाँ पर मैं एक एरो कर देता हूँ जो कि ग्रोथ को रिप्रेजेंट करेगा। तो मेरे पास यहाँ शेप के अंदर, कस्टम शेप के अंदर एक एरो है, तो मैं इस तरह से कुछ क्रिएट कर लेता हूँ इसको। मैं इसको कर लेता हूँ छोटा और यहाँ पे मैं कहीं ना कहीं इसको प्लेस कर लेता हूँ। इसका भी कलर जो है मैं कर लेता हूँ ग्रीन, समथिंग लाइक दिस। और सिमिलरली इस पर भी मैं बेवेल एंड इम्बोज डाल देता हूँ कुछ इस तरह से, बट इस पर हम नॉर्मल वाला डाल देते हैं। और यहीं पे मैं ड्रॉप शेडो भी डाल देता हूँ। और फाइनली यहाँ पर मैं एक लेयर मास्क लगा के नीचे का पार्ट हल्का सा फेड आउट कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। और मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ अपने हिसाब से।
अब यहाँ पे हमें फाइनल थोड़े थोड़े से टचअप करने हैं। तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास ये कैश की पीएनजी है, तो इसमें से मैं कुछ कैश वाली इमेजेस ले लेता हूँ। तो लेट्स से मैं ये ले लेता हूँ सेलेक्ट करके। तो यहाँ पे मैंने ये कुछ पीएनजी ले आया हूँ और इन सबको मैं स्मार्ट ऑब्जेक्ट करके थोड़ा सा प्लेसमेंट कर लेता हूँ। और इन सब में मैं थोड़ा थोड़ा सा लेवल्स डाल देता हूँ जिससे ये एडजस्ट हो जाएंगे कलर्स इनके। और इसी के साथ में मैं इन सब में मैं थोड़ा सा ब्लर भी डाल देता हूँ कि सारा फोकस इन पे ना आए। ऑलराइट, और यहाँ फाइनली मैं सब पे थोड़ी सी हाइलाइट्स क्रिएट कर देता हूँ, जो ये हमारा कलर है ब्राइट वाला, कुछ इस तरह से। तो यहाँ देख सकते हो मैं ऐसे कुछ हाइलाइट्स क्रिएट कर देता हूँ, ऐसा लगे कि हमारा पीछे से हाइलाइट हो रहा है। ऑलराइट, तो ये हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे सबसे फाइनल एडजस्टमेंट करना है, उसके लिए मैं क्या करूँगा, कीबोर्ड पे कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट और ई प्रेस करूँगा, जिससे सारी लेयर मर्ज होकर एक न्यू लेयर मिल जाएंगी हमको। यहाँ पे मैं कर रहा हूँ कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, और यहाँ फिल्टर पे कैमरा रॉ फिल्टर पे जाके थोड़े थोड़े से हम एडजस्टमेंट करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लाइटनेस में हल्का सा कॉन्ट्रास्ट कर दूंगा, बहुत हल्का सा, अपने हिसाब से आप देख लेना कि ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी हमने काफ़ी सारा इफेक्ट्स भर रखा है। और यहाँ पे हल्की सी क्लैरिटी और टेक्स्चर बढ़ा दूंगा जिससे हमारी चीज़ें विजिबल हो जाएं। और यहाँ पे आप देख सकते हो ग्रेन्स भी डाल सकते हो अगर आपको ग्रेन डालना है तो, कुछ इस तरह से आपने देखे होंगे बहुत थंबनेल्स में कुछ ऐसा इफेक्ट आता है, तो ग्रेन्स भी डाल सकते हो जो कि काफ़ी सही लगता है देखने में। बट मैं यहाँ ग्रेन नहीं डाल रहा हूँ अभी, क्योंकि ऑलरेडी टेक्स्चर मैंने डाल रखा है इसके फेस पे, ज़्यादा हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। और यहाँ पे मैं हल्का सा शार्पन डाल देता हूँ, हल्का सा, और फाइनली मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ। तो ये हमारा थंबनेल ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, राइट। आप इसको रिव्यू के लिए भेज सकते हैं। और सेम कॉन्सेप्ट को यूज़ करके अगर आपको फेस नहीं दिखाना है इसमें, जैसे कोई बिना फेस के लिए बना रहे हो, जो भी आपका कंटेंट रिलेटेड है उसके रिलेटेड कुछ चीज़ें आप डाल सकते हो। जैसे लेट्स से मैंने यहाँ पे ये डाल दिया मेक मनी ऑनलाइन, कुछ इस तरह से सेम कंटेंट है, और मान लो कि इसमें हम यूट्यूब और फाइवर वगैरह की बात कर रहे हैं ऑनलाइन अर्निंग के लिए, तो कुछ इस तरह से हम इजीली क्रिएट कर सकते हैं। तो ये भी सेम उसी टेक्निक से मैंने क्रिएट किया है, थोड़ा सा ये सारा मैंने लेयर स्टाइल से इफेक्ट वगैरह देख के कर दिया कुछ इस तरह से, और ये सारा कोई 3D नहीं है, ये सब मैंने लेयर स्टाइल से बेवल एम्बोस से ही किया है। तो ये भी ठीक लग रहा है, आप अपने हिसाब से इसको कर सकते हो एडजस्ट, और अपने हिसाब से हम इसको इजीली देख सकते हैं, कर सकते हैं। ऑलराइट, तो अब फाइनली आपका थंबनेल अगर कंप्लीट हो चुका है तो आपको क्या करना है, आपको आना है यहाँ गूगल पे, यहाँ पे सिर्फ लिखना है थंबनेल चेकर, और सबसे पहली वेबसाइट कोई भी आएगी अपने हिसाब से, आप कोई भी क्लिक कर लो, और यहाँ पे आप करो क्रिएट अ टेस्ट। जैसे क्रिएट अ टेस्ट करोगे यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस होगा, अगर आपने दो ऑप्शंस क्रिएट किए हैं तो आप उन्हें अपलोड कर सकते हो। लेट्स से मैं यहाँ पे अपलोड करता हूँ, तो मैं यहाँ पे वो थंबनेल इंपोर्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे देख सकते हो शो प्रीव्यू ऑप्शन 1, तो आप देखोगे ये हमारा कुछ इस तरह से दिख सकता है, और यहाँ पे आप टाइटल भी लिख सकते हो, तो आप देख सकते हो आपका थंबनेल का प्रीव्यू कुछ इस तरह से शो होगा, राइट। अगर आपको स्विच करना है तो मैं यहाँ पे भी ऑप्शन 2 पे भी सेम कंटेंट डाल देता हूँ, और यहाँ पे आप देखोगे आपका ये कुछ इस तरह से शो हो रहा है। तो आप इसे कुछ इस तरह से आप देख सकते हो, अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपका थंबनेल किस तरह से दिखेगा। और सेम कॉन्सेप्ट मैं कई सारे थंबनेल्स में यूज़ करता हूँ, आपको अगर मैं दिखाऊँ तो आप देख सकते हो यहाँ स्क्रीन पे कई सारे थंबनेल्स आपको दिख रहे हैं, और यहाँ पे मैंने अलग अलग तरह के अलग अलग चीज़ों के लिए बना रखा है। और स्पेशली ये वाला जो थंबनेल है, जिसे आप देख सकते हो, ये इफेक्ट आता है जो फेस पे कार्टूनिश इफेक्ट, ये कैसे क्रिएट करते हैं, अगर आपको इसका ट्यूटोरियल चाहिए तो मैं एक वीडियो इसके लिए भी ले आऊँगा कि कैसे मैं क्रिएट करता हूँ, सारा कुछ फोटोशॉप में हम करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो थोड़ी बहुत ज़रूर समझ में आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और मेरा कॉन्टेंट अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।